आपके होस्ट डॉक्टर स्मेलता और आपको वेलकम करती हूँ सेहत के सफर एच के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और आपके रोजे भी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात, हमारे पास हर रोज एक टॉपिक मौजूद होता है जिस पर हम बात करते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा है कि PCOS के बढ़ते हुए इसका रेशो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली टीनएजर्स में क्या वजूहत हो सकती है। बट इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो है सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया गोल, जो कि PhD सुपरवाइजर हैं और रिसर्चर हैं मेडिसिन केमिस्ट्री में। इसके अलावा इनकी स्पेशलिटी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और साथ में ये काम कर रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भी। और साथ साथ सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है और 17 साल से अपने पेशे से मुंसलिक हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या वजूहत हो सकती हैं और इनकी रिसर्च क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, आप हमारे शो में हैं, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम, सो मैं थैंक यू आप लोगों ने इनवाइट किया और आपकी इस एफर्ट्स के लिए भी जो है आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगी। आप लोगों को जानती हूँ तो मैं काफ़ी ईयर से हूँ, लेकिन मैं ये आप लोग एक नया इनिशिएटिव है तो इसके लिए एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमारी। और आज की वजह से हमारा टॉपिक है PCOS का इतना ज्यादा रेशियो भी बढ़ता जा रहा है ये गर्ल्स में। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि इस चीज को क्लियर करें, बहुत सी हमारी ऑडियंस है जो इस चीज में भी कंफ्यूजन का शिकार है कि बेसिकली ये है क्या चीज, PCOS है क्या चीज, तो इससे आप क्या कहेंगे। PCOS जो है वो आपके पास इस टाइम है एडमिशन है आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एस नेम कि आपके पास सिंड्रोम है, तो दैट मींस कि मल्टीपल डिजीजेस हैं इसमें, एक सिंगल डिजीज नहीं है, नंबर ऑफ डिजीजेस में इन्वॉल्व है। और इसकी जो वैसे बाय मीनिंग्स आप देखें तो बाय पॉलीसिस्टिक दैट मींस के हमारे पास जो हमारी ओवरीज हैं उसके ऊपर जो है तो बहुत सारी सिस्ट डेवलप होती है, दैट मींस के हड्डियाँ बन जाती हैं और इस चीज को मल्टीपल होती है तो ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है। और इससे रेलिवेंट हमारे पास जो है वो साथ में कोमॉर्बिडिटीज होती है इसके साथ एसोसिएटेड, इसकी वजह से जो है वो और भी डिजीजेस आ रही थी तो कंबाइंडली एक सिंड्रोम है। ओके, तो इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या ऐसे इसके कोई सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, इसके अंदर आपके टू थ्री मेन सिम्टम्स हैं। एक तो सबसे पहले तो जो गर्ल्स के अंदर हम ये देख रही हूँ पेरियड के अंदर जो है ओवर वेट का इशू आ रहा, फिर उसके बाद जो है उसकी उनकी मेंस साइकिल आ रही है, उनका इरेगुलर साइकिल्स पीरियड्स आ रहे, तो ये आपके पास दूसरा सिम्टम। तीसरा हमारे पास जो चीज़ आती है कि क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हार्मोनल लेवल्स जो है मेन हार्मोनल लेवल्स जो है दैट इज द उसके अलावा जो है वो आपकी हेयर थिनिंग भी होगी, बाल गिरना भी शुरू हो जाए, बाल्डनेस इस तरीके की। तो अक्सर ये होता है कि जब हेयर फॉल या इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं तो लोग कन्वर्ट करते हैं अपनी अपनी डाइट को तो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, खुद भी जो हो सकता है मैलन्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हो रहा हो या फिर कुछ लोग PRPs या इस तरह की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो आप उसको किस तरह से इंकरेज करेंगे कि लोग अब डायग्नोस्टिक्स की तरफ आए और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाएं। बिल्कुल, ये है एक चीज और उसमें इससे पहले भी एक और सिम्टम के लिए जो आपने इस वक्त हेयर लॉस की बात करी, तो साथ ही उसकी एक और चीज़ ये आती है कि हमारे पास स्किन डिस्कलरेशन हो गई, पैचेस आ रहे स्किन के अंदर, पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस आ रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स यंग गर्ल्स होती है वो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं तो एस्थेटिक वे भी चली जाती है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है, वो दूसरी चीजों को नोटिस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो नोटिस करें कि आपके और भी सिम्टम्स इस तरीके के आ रहे हैं जो आपको ये फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो हमारे पास अगर रेगुलर हार्मोनल बैलेंस ना तो वो हमारे पास मेजर इसका कॉज आ रहा है। उसके अलावा फिर ये ओबेसिटी आपकी ये सारी, इसके अलावा जो है हमारे पास ये एंड्रोजन की प्लास्टिक और क्लिनिकल अगर उसमें जाए स्पेक्ट्रम में जाए तो इसके अल्ट्रासाउंड ये सारी चीजें इसके डायग्नोस्टिक मीटर्स होंगे, यानी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो चेक करेंगे, एस्ट्रोजन है वो आपके पास इसका लेवल जो है वो काफी कम हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास जो है ये डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन या आप अगर अल्ट्रासाउंड करें तो आपको ऑब्जर्व होंगे उनकी रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा आपने डायग्नोस्टिक्स का जिक्र किया, इसके अलावा क्या लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस उनको
एक नॉर्मल एक हेल्दी बींग है और एक इसके साथ PCOS का मसला है, उसमें आप किस तरह से एक नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है वो किस तरह से डिफरेंशिएट कर दी? एक तो ओवरवेट आपने बताया, हेयर फॉल का इशू भी बताया, इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है तो जरूर बताया। उनकी ऑब्जर्वेशन है सिम्टोमेटिक तो हमारे पास यही आएगा, उसको भी हमें रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ओवरवेट का इशू आता है या हमारे पास ये दूसरे जो इशूज है तो उसमें एक और जो रेगुलेटरी हमारे पास है वो हमारे पास थायराइड का है, तो हमें ये भी साथ में चेक करना चाहिए कि हमारे पास थायराइड के लेवल अगर होते हैं या थायराइड हॉर्मोन हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, उसके रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, देन वी हैव टू फोकस के अब बिल्कुल ये इसकी डिग्री बचा हो सकती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके सॉरी पॉट पे इसको जो है वो हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा जो है जो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास PCOS आ ही क्यों रही है, हुआ ही क्यों है। अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और हमारे पास नॉट ओनली पाकिस्तान लेकिन साउथ एशियन वुमेन्स के अंदर जो है ये बहुत हाई रिस्क, बहुत हाई रेट है कंपेयर टू हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या हमारे अमेरिकन हैं, तो हमारे लिए जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या हमारी इस तरीके की हर वक्त की ईटिंग हैबिट्स है और वो ईटिंग भी हमारे पास इस तरीके का है कि प्रोसेस फूड हम ले रहे हैं। अब हम इवन ये कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स से भी ज्यादा जो हमारी वर्किंग वूमेन्स भी हैं, इस सारे हम लोग प्रोसेस फूड की तरफ हैं। जल्दी से कुछ रेडीमेड ले लिया हमने, कुछ और शुगर का होता है सोडियम एंड शुगर ऑफकोर्स रीजन, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स हैवी कार्बोहाइड्रेट्स ले हैं लाइक आपने फॉलो कॉपर फ्रेंच फ्राइज ले ली, आपने पैकेट चिप्स लिए, आपने कोई बेकिंग्स लिए, कोई बेकरी आइटम्स लिए और आपने अपने आप को और सेटिस्फाई करने के लिए जल्दी से जल्द कोई प्रोटीन ले, तो ये चीज आपको जो है वो बहुत बड़ी डैमेज कर रही है, आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। अब आप नोटिस करेंगे और फिर हमारे लिए हैबिट्स जो वर्किंग हैबिट्स है, अब हम लोगों को पसंद नहीं है कि हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में जाएं, हमारा जितना भी लेजर टाइम हो कितना भी फ्री उसमें हम हो हम पसंद करते हैं, तो वो चीज के हम वॉकिंग हैबिट्स हमारी नहीं है, हम अपनी जो कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उसको हम जो है वो बर्न नहीं कर रहे, तो सारी चीजें हम इसको ये रेट पाकिस्तान में और आपके एशियन कंट्रीज में बहुत हाई होते हैं। इसके अलावा आपने कुछ प्रोसेस फूड का भी जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक्स का भी जिक्र किया, इसके अलावा जो नॉन फ्राइड आइटम्स फ्राइड आइटम्स भी, तो इसके अलावा क्या समझते हैं कौन सी स्पेसिफिक कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो कि इसकी रिस्क और ज्यादा बढ़ा रही है? तो बिल्कुल वैसे जो इसके लिए जो मतलब हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं उसमें तो हमारे पास ये है कि हम जो है वो सैचुरेटेड फैट ना लें, हम रेड मीट्स को जो है वो कम लें, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, पल्सेस की तरफ जाएं, ये तो हमारे पास है। लेकिन एक और चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ अभी भी रिसर्चर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन से कि हमें चूंकि प्रोसेस फूड चाहिए और प्रोसेस फूड के लिए क्यों मना कर रहे हैं, हम बड़े बड़े शौक से कह देते हैं कि हम चिकन लें और चिकन के आइटम्स हो तो बड़े बड़े अच्छे हैं हेल्दी हैं, चिकन एंड फिश होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे हैं कि ये हमारे पास जब चिकन इतनी हाई क्वान्टिटी के अंदर आ रही है मार्केट में तो उसका ये क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स ये ले रहे हैं कि वो इतना कोई फास्ट जादुई काम हो रहा है कि विद इन द 20 डेज एट टू द फुल एडल्ट हेन आपके पास अवेलेबल है। अब वो किस तरह से वैल्यूज क्या होती है, नहीं तो वो है किस तरह से, ऑफ कोर्स आपने उसको इस तरीके के हार्मोनल डोजेस दिए हैं, इस तरीके के आपने उसको स्टेरॉइड्स दिए हैं जो आपने उसको इतना एडवांस वो कर दिया बड़ा, अब वही चिकन जो है वो प्रोसेस हो रही है, वो भी चिकन आपके सारे फूड्स में जा रही है, वो आपके पास ला भाला एंटर हो रही है और वो हार्मोन्स वो स्टेरॉइड्स तो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर रही है, तो आपके एक डाइट्स ने डिस्टर्ब किया, फिर एक जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में इस फूड के तरीके से उन्होंने आपकी डबल डिस्टर्बेंस करी। लेकिन अगर PCOS की बात करें हमारे पास PCOS के अंदर जो है वो तकरीबन 3-4 टाइप्स हैं जिस तरीके से हमारे पास आ गए, या तो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपके पास मेल हार्मोन जो एंड्रोजेंस की प्रोटेक्टर्स वो इंक्रीज हो गया है, या फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो
कोई किस तरीके की अभी स्टेरॉयडल थेरेपीज में या हार्मोनल थेरेपीज में उसके बाद के कोई डैमेजेस आए, क्या हमारे पास कोई ऐसा पॉसिबल जिसमें हाई इंफ्लेमेशन आ गई है, तो उससे भी हमारा ऐसे एलिमेंट है, मतलब कोई भी इस तरह की चीज जिससे आपके ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे हार्मोन्स आपके एक्टिव हो जाए, साइटोकाइन्स वगैरह एक्टिव हो जाए जो बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन करते हैं, तो वहां से चारों आपके पास रूट कॉजेस में या फोर स्टेजेस या फोर टाइप्स के तौर पर आ रही होती है, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम इसको ट्रीट करवा सकते हैं या सिर्फ इसे मैनेज किया जाएगा? ट्रीटमेंट ऐसे आपको जब ये कहा जाए कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट, तो मैं नहीं समझती कि डायरेक्टली इसके कोई मेडिसिन हो, लेकिन हाँ जो कि रूट कॉज है हम उन्हीं को ट्रीट कर लें, और उनको ट्रीट करने के लिए अगर हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसमें हम जो है वो सबसे ज्यादा जो हमारे पास मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है वो मेटफॉर्मिन की आती है, ग्लूकोफेज आती है, तो मेटफॉर्मिन जो है वो इस काम के लिए इसकी रेकमेंड करती है। इसके अलावा हमारे पास जो डिप्रेशन है एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो आप वो स्टेरॉइड्स जो है ये इस तरह के हार्मोनल थेरेपीज जो है वो ले सकते हैं, और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर आपके पास जो इस तरीके का सारा फूड है जो सैचुरेटेड फैट्स पर है, या आपके पास जो अननेचुरल स्टेरॉइड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी चीजों को अवॉइड करते हुए इसको इम्प्रूव कर सकते। ओके, और एक बहुत ज्यादा रुझान आजकल है ना कि सीड साइकिल, इस पर भी बहुत ज्यादा लोग वो करें, या तो टीस की तरफ जा रहे हैं, हर्बल टीस की तरफ और सीड साइकिल की तरफ, तो विदाउट सही तरह से आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए और अगर करते हैं इसके तो लाइफ उसमें हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? मैं ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन भी रेज किया है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये कि ठीक है ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहा है, आपके हर किसी मिनट नेचर अलग है, उनकी बॉडी अलग है, तो उसको अपनी बॉडी के हिसाब से खुद से डिसीजन नहीं लेना, उसको रेलिवेंट कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। अगर उसको अपने अंदर इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कि उसको पूरे हैवी फेस फेशियल हेयर्स दिख रहे हैं, या उसके जो है वो ओवर वेट हो रहे हैं, या उसको जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो इन सारी सूरतों में सबसे पहले रेलिवेंट कंसल्टेंट को होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू हर बॉडी आपको जो है वो आपके कंसल्टेंट गाइड करेंगे कि आपको कैसा करना है। जरूरी नहीं है कि आप सबका डाइट प्लान एक ही हो सकता, सबकी मेडिसिन से एक नहीं हो सकता, और हम लोगों के अंदर की बड़ी बैड हैबिट्स हैं कि हम लोग कोई भी चीज जो है वो डेली ऑनलाइन अवेलेबल हुई और हमने उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दिया, हम जो है वो लो कार्ब डाइट्स लेंगे, हम बिल्कुल कार्ब डाइट्स नहीं लेंगे, हम प्योर लो कैलोरी डाइट लेंगे, हम बिल्कुल कीटो पर होंगे, सारी चीजें जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग और खराब है आप लोगों को, मतलब आम जो हमारी पब्लिक है उसको ये जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि हर किसी भी कंसल्टेंसी मौजूद है, आप उससे मत रिश्ते हैं, जो मामला सॉल्व हो सकता है उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उनके एक रीजन आपने ये बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही इसकी वजह है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस का भी रोल आएगा, तो इसका किस तरह से रोल है या क्या इसकी जो है इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? असल में हमारे पास ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब आपको वैसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली आपके पास मेटाबॉलाइज नहीं हो रहा, प्रॉपर आपके पास जो है वो उसकी फाइनल फिनिश फॉर्म नहीं जा रही है, तो अब आप एक तो इस तरीके से भी सफर कर रहे हैं, दूसरा फिर आपने अपना लाइफ स्टाइल भी ऐसा बना दिया है कि किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखनी है, कोई ऑर्गन्स आपके सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं है इतनी मूवमेंट है। मैं देखिए जो हमारा निज़ाम है आप लोग का खास ही प्रोग्राम रमजान के हवाले से है और हम इस वक्त फास्टिंग से है, तो अगर जो अल्लाह ताला का निज़ाम है खास तौर से इसके अंदर जो ये रखा है ना ये फास्टिंग जिसको अब हम लोग एडॉप्ट करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये हमारे पास एक अल्लाह है, और दूसरा हमारे पास ये जो एक्सरसाइजेस के लिए जो हमारी मूवमेंट्स हैं जो हमारी फाइव टाइम प्रेयर्स देनी है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इतना बेहतरीन रखा है कि आप फाइव टाइम्स परफॉर्म द प्रेयर्स एंड यू आर डूइंग ये जो हम रमजान का महीना ये रोजे रखते हैं, तो ये हमारे पास इनफ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ बस ये करेंगे रोज आप बैठे नहीं होते तो हम अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। आप देखिए तो अभी रिसेंट जो रिसर्चेस आई है तो जो चीज भी हमारे पास कुरान में थी वो एक एक करके सारी प्रूव नेम वो अलग से नेम कर देते हैं, हम डिफरेंट नेम्स रख देते हैं लेकिन होती चीजें यूज कर रहे हैं, और मैं अभी आज रिसेंटली देख रही थी कि
मेरा ख्याल है कि हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त पीसीएल चल रहा है, ये वो सॉरी पीएसएल जो चल रहा है हमारे पास क्रिकेट का, तो उसकी एक किसी टीम की वो है कोच है, आई डोंट रिमेम्बर, तो वो इस वक्त जो है वो एक नॉन मुस्लिम है और वो रोजा रख के देखते हैं और वो रोजे से है और वो ये देखना चाह रही है कि ये किस तरीके से मुसलमान जो है कैसे एक्सीलिएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो उसके बाद जो है वो शाम में क्रिकेट भी खेलता है। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर उनका जायदा इस चीज में नहीं होगा लेकिन रिसर्च के अंदर आ जाते हैं तो लास्ट ईयर हमें अवार्ड्स आए हैं, नोबेल प्राइजेस जो आए हैं आपके पास हेल्थ साइंसेस में, तो वो इसी उसके ऊपर आए कि आपने ये चीज मालूम करी कि अगर आपको हेल्थी रहना है या अगर जो कैंसर का ट्रीटमेंट है तो उसके लिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप 14 to 18 आवर्स की फास्टिंग के पास रहते हैं, और ये अगर आप जो है वो 20-25 डेज इन अ होल ईयर अगर आप उसको कर ले जो कुछ हमारा अगर एग्जैक्टली हम लोग मसल को फॉलो कर ले तो हम बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन से, क्योंकि हम जब हम देखते हैं वेस्ट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमें नजर आ रही होती है कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद, डाइट में चेंजेस लाने के बाद, विदाउट मेडिसिन भी बहुत सारी चीजों को क्योर कर चुके हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेने के बाद लोग खुद भी फॉलो करते हैं कि हमें उन्हें फॉलो करना है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को बहुत ज्यादा रुझान मिला है और बहुत ज्यादा लोगों को यानी इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो ऑब्वियसली जब किसी को कोई भी डिजीज हो, स्पेशली हम अगर बात करें पीसीओएस की बात करें, तो इसमें भी यकीनन रोजों की बहुत ज्यादा अहमियत होगी। और अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, अगर कोई मेडिसिन पर है, जिस तरह से आपने बताया कि मेडिसिन हम रूबोफेज और मेडिसिन हम वो करते हैं, तो उसमें रमजान में क्या रूटीन होगी? प्रोटीन के हिसाब से एक तो मतलब मैंने आपको कहा ना कि जो कंसल्टेंट हो वो हर किसी डाइटरी प्लान्स और वो सारी चीजें को मैनेज करेंगे, लेकिन यानी जनरली हम मैसेज नहीं ले सकते इस बारे में, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि मतलब अगर आप इस तरह की कंडीशंस में तो आप अपने फिजिशियन को फॉलो करें, अपने कंसल्टेंट को फॉलो करें, लेकिन जो रिगार्डिंग के हम नॉर्मल लाइफ के अंदर हम किस तरीके से अपने चेंजेस ला सकते हैं, तो ऑफकोर्स अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग पर हैं तो हमने जो कुछ भी ले लिया है, हमें ये अभी जो है कि अगर हम शरीर में हम सोच रहे हैं कि हमें इतने लंबे अरसे तक कुछ नहीं खाना है तो हम बहुत सारा पॉड भी खा लेते हैं, या हमें जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा के बैठ जाओ। तो अब अगर आपके पास कोई लंबा गैप है तो आपका जो कुछ भी आपने ग्लूकोज इंटेक कर लिया है, जो आपने हाई कार्ब डाइट ले लिए, पराठे खा लिए हैं और ऑयली गुस्साई तो ये सारी चीजों के बाद अब आपके पास बॉडी को उतना मौका तो मिले कि वो 14 आवर्स तक या आपके पास जितने भी आवर्स तक आपकी फास्टिंग रह रही है उस वक्त तक उसको मैनेज कर ले, आपने और मजीद उसमें कुछ नहीं डाला तो वो स्टमक होगा और डाइजेशन का सिलसिला यानी स्टॉप होगा, तभी तो आपकी जो यानी डैमेज है तो उसके बाद स्टार्ट होता है। बिल्कुल, और जो है साथ में ये हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, तो आपकी इंसुलिन तो जो है वो आपके सेल तक एंटर नहीं हो पा रही, तो अब आपने जब एम्प्टी स्टमक के साथ हैं और आपके जब अब आपको नीड हो रही है तो वो बहरहाल अब स्टोर किया हुआ ग्लूकोज अब जो है वो बॉडी यूटिलाइज करना शुरू करेगी, लेकिन अगर हम लेते ही रहेंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा कि वो सेल उसको रिलीज करे, और दूसरी तरफ इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन तो फास्टिंग के बाद पैंक्रियास का फंक्शन भी और इंसुलिन इंप्रूव हो जाता है, जैसे कि पता है कि पैंक्रियास जो है वो आपके पास इंसुलिन को जो है वो रिलीज करते हैं, तो इंसुलिन रिलीज होना और पैंक्रियास का फंक्शन होना तो एक बहुत अच्छा सा ये फंक्शन मेंटेन हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अगर वो रेजिस्टेंस है तो सेल तक एंटर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया कि पीसीओएस के लिए मेन कॉज समझा जाता है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसे बता दी जो कि नुकसान दे रही है और ऐसी चीजें ही बताई जिससे फायदा हो सकता है। अब सुपर फूड की अगर बात करें, इसमें सुपर फूड लोगों के लिए फीमेल्स के लिए क्या हो सकता है? सबसे पहले ये कि आपका ये जो प्रोसेस फूड और जो आपका फ्राइड फूड है इसको अगर अवॉइड कर ले, तो अगर हम रूटीन के उसके अंदर जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो अगर एक एहतियात में रखते हुए खा रहे तो दैट मतलब वो ठीक होगा, वो आपके लिए हेल्दी होगा। और दूसरा ये कि अगर थोड़ा टाइमिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए, हालांकि हमारी अपनी मतलब गाइडलाइंस तो हमारे इस्लाम की तो यही है कि हमें किस तरीके से कितना खाना खाना है और कितना लेना नहीं चाहिए,
लेकिन हमारा दूसरा स्टाइल, हम लोगों की आदतें, जैसे कि हम दूसरे टॉपिक के अगर से बात करें कि हमारे जो वर्किंग एनवायरमेंट्स हैं या वर्किंग वूमेन्स हैं, तो हमारा काम ये है कि सुबह उठ के तो कुछ खाना अच्छा नहीं है। अभी हम पहले जल्दी जल्दी से रेडी हो गए, टाइम हम लेट हो रहे हैं, हमें घर भी संभालना है, कल के भी काम है, तो इस पर कुछ नहीं। हम एक प्रॉपर कम्प्लीट प्रोग्राम करेंगे और क्योंकि इस पर बात होने की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस इस बारे में भी हमें देने की जरूरत है, स्पेशली रमजान में, आपको रमजान में इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इस पर तो हम जरूर बात करेंगे। सुपर फूड की बात हुई, आपने कहा कि जो हम रेगुलर बेसिस पे जो डाइट लेते हैं वो भी इनफ है अगर हम सही तरह से इसको लेते हैं। लो कार्ब डाइट्स, लो फ्राइड आइटम्स का, लो कार्ब डाइट्स का मतलब ये होता है कि आप जो है वो रोटी, गंदम की रोटी और ये जो चावल है इसको जो है वो आप कम इंटेक करें, उसकी जगह आप प्रोटीन डाइट पर आए। प्रोटीन डाइट के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ आप मीट भी लीजिए, ब्रेड मीट को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, लेकिन आप व्हाइट मीट के अंदर जो है वो फिश और चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस चिकन और इस तरीके की ना देसी मिलना तो उनके साथ मुश्किल होता है, लेकिन मिल रही है तो आप उसको अवेल करें। उसके अलावा हमारे पास की जो पल्स डालें हैं तो उससे क्या कौन सी डालें हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं? सभी जो भी आपके अगर रेंज में है दालें, तो आपका गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ऑफकोर्स वो मीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो बाकी डेफिशिएंसी जो मिनरल्स की और ये सारी विटामिन्स की भी सारी चीजें, ये आपके पास ग्रीन वेजी वो मिल जाएंगी, सैलड्स हैं और जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हो जो बहुत ज्यादा फ्राइड ना हो, आपने उनके लाइट कुक किया हो, तो ये सारे आपके बहुत हेल्दी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, इससे एक रिलेटेड बहुत ज्यादा आती है प्रॉब्लम डिप्रेशन या एंजाइटी, क्योंकि बॉडी वेट इतना बढ़ चुका होता है विजुअली, आप यानी अपने आप को अगर अपनी पेरेंट्स देखें तो वो खराब हो रही होती है, तो उसकी वजह से बहुत लोग जो स्पेशली गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इस तरह की चीजों को फेस कर रही होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही बात आपने कही कि एक तो हमारे पास है और एक चीज जो हमने इसका मैटर भी डिस्कस किया, क्योंकि वो उसके मेनली रेलेवेंट नहीं है। इस ईयर हमारे पास हम अर्ली एजेस की बात कर रहे हैं, टीन एजेस की बात कर रहे हैं, जब से हमारे पास प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में उस वक्त से बात करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उसके बाद उनकी वैलेजेस भी है फीमेल्स की, तो वहां पर भी एक इन्फ्लुएंस है इसका कि आपके पास ईसियस जो है वो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। और वो के ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसको ईसियस है तो कभी जो है वो कंसीव भी नहीं कर सकेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड के मतलब ये है जैसे आपके पास जो है वो हाई रिस्क होता है यूजुअली हमारे पास ये चीज देखने में आती है। तो हमारे पास बिफोर द मैरिजेस जो जा रही होती है लड़कियां, उनको दो प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से पीसीओएस का डायग्नोस होता है, एक उनकी ये जो स्किन पैचेस वगैरह उससे कॉन्शियस होती है, दूसरा ओवरवेट की वजह से। एंड आफ्टर द मैरिज अगर वो कंसीव नहीं करें तब फिर वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, दैन उनको भी डायग्नोस होता है पीसीओएस का इशू। तो जो डिप्रेस हो रहे हैं उसकी वजह से आप दोनों कंडीशन में अगर वो ओवरवेट है, उनके ब्यूटी कॉन्शियस है, उससे भी उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनकी कॉन्शियस उनके कॉमेंट्स वो आप मिल रहे होते हैं कि अगर वेट कम करो और आपको तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के, तो फिर ये हमारे पास इससे पहले बिफोर मैरिजेस जो है वो ओवरवेट की वजह से डिप्रेशन और डिस्पेरिशन पैचेस की वजह से जाता है, और आफ्टर पहले हमारे पास सोसाइटी का ये इम्पैक्ट के कंसीव नहीं किया तो उससे भी सीवियर डिप्रेशन की जरूरत है। तो हम जो रिस्क की बात करते हैं, इसके ट्रीटमेंट की या इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो साथ में क्या एंटी डिप्रेशन या कुछ ऐसी अभियान दी जाती है जिससे उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो? कभी हमारे पास इस तरीके की वो आती है, वो बताती है कि मतलब किसी को इतना डिप्रेशन हो जाए वो बिल्कुल ही डिप्रेस मोड में, तो उनके लिए आपको इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी देने पड़ेंगे, वरना अगर उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको जो है मतलब सोसाइटी के बारे में अगर अच्छी गाइडलाइंस मिले और हेल्थ के बारे में अच्छी गाइडलाइंस मिले तो दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये जो हमारे पास सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर डालती वो भी हमारे पास मैनेज हो सके, और दूसरा मतलब कि किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास ये नहीं है। आपके लिए बहुत कॉमन इशू है, इतना कॉमन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे पास आप देखें कि बिल्कुल देखिए अराउंड 40% तो फीमेल्स हैं उससे अफेक्टेड होते हैं, और ये सब कुछ हमारी इसी लाइफ स्टाइल की वजह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग। लास्टिंग ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहें तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपको हर सवाल का जवाब देने की और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, टीम एच को जरूर याद रखिएगा और अपनी होस्ट को भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि अपना रखेंगे बहुत ज्यादा ख्याल और हम सब को रखेंगे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।